चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। तो इसमें अगर सबसे पहली थ्योरी की बात करें तो दैट इज द लेमार्किज्म थ्योरी। तो दैट इज द लेमार्किज्म थ्योरी। और लेमार्किज्म थ्योरी जो है इसका एक और भी नाम है, दैट इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। Inheritance of acquired characters। आपने 10th क्लास में शायद पढ़ा होगा acquired characters के बारे में। पढ़ा था कुछ नहीं पढ़ा था acquired characters के बारे में 10th क्लास में? हाँ जी, याद होगा आपको। साइकिल चलाना एक तरीके का acquired character था, स्विमिंग था एक तरीके का acquired character था। समझ रहे हैं? यानी ऐसे कैरेक्टर जो आप अपनी लाइफ टाइम में लर्न कर रहे हैं, दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लेमार्किज्म के हिसाब से जो आपने कैरेक्टर एक्वायर्ड किए हैं वो कैरेक्टर इनहेरिटेड होते थे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। क्या ये बात सही है या गलत है, ये बताइए। हाँ जी, क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंट होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, नहीं होते हैं? नहीं होते। सर नहीं होते। नहीं होते हैं, ये बात कंफर्म है ना? ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो लेमार्किज्म की थ्योरी थी इसको दिया था बेसिकली जीन विपस्ति डी लेमार्क ने। तो इसको मैंने कहा कि प्रपोज्ड बाय अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट था जिसका नाम था बाप्टिसी डी लेमार्क। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो फ्रेंच नेचुरलिस्ट था जिसका नाम था लेमार्क, उसने इस थ्योरी को दिया था। इसी के नाम पर बेसिकली ये थ्योरी का नाम पड़ गया, दैट इज अ थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म या लेमार्किज्म थ्योरी। और ये जो थ्योरी इसने दी थी वो 1744 से 1829 तक रहे थे। यानी लेमार्क जो है दुनिया में 1744 से 1829 तक रहे थे। इन्होंने किताब भी लिखी थी और उस किताब का नाम था दैट इज अ फिलोसॉफिक जूलॉजिक। दैट इज अ फिलोसॉफिक जूलॉजिक इन 1809 ये किताब लिखी थी, इनकी किताब का नाम है। तो अब इनकी थ्योरी क्या कहती है, वो बेसिक कंसेप्ट क्या है इनकी थ्योरी के। तो आते हैं बेसिकली हम बेसिक कंसेप्ट पर, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लेमार्किज्म। दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेमार्क। तो देखिए, लेमार्क ने पहले आप समझ लीजिए कि लेमार्क ने क्या कहा है, उसने क्या अपने बात अपने कंसेप्ट दिए। तो पहला कंसेप्ट उसने दिया था बेसिकली इंटरनल वाइटल फोर्स। तो पहली चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वाइटल फोर्स किसको कहते हैं। तो मैंने कहा कि लेमार्क की थ्योरी का पहला कंसेप्ट था इंटरनल वाइटल फोर्स। तो इसका मतलब लेमार्क का कहना था कि हर बॉडी के अंदर एक छुपी हुई फोर्स होती है, जस्ट लाइक अ सोल। जैसे सोल होती है छुपी हुई है, दिख नहीं रही है, लेकिन उसकी वजह से आप सारे काम कर पा रहे हैं। उसी तरीके से लेमार्क का कहना था कि हर बॉडी के अंदर एक वाइटल फोर्स छुपी हुई है जो इनहेरिटेड है, जो बेसिकली हिडन फोर्स है, हिडन फोर्स। और हिडन फोर्स की वजह से क्या हुआ
कि वो फोर्स दिखती तो नहीं है, लेकिन वो फोर्स ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने में लगी पड़ी है, लगी पड़ी है, लगी पड़ी है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज इंटरनल वाइटल फोर्स। इसी तरीके से उसने कहा कि बेसिकली उसने कहा कि नई नीड्स की जरूरत पड़ रही है ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग एनवायरमेंट में रहने के लिए नई नीड्स की जरूरत पड़ रही है, और जो नई नीड्स की जरूरत पड़ रही है, नए नए स्ट्रक्चर एक्वायर कर रहे हैं, यानी अपने नीड के हिसाब से नए स्ट्रक्चर्स एक्वायर कर रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर्स जो एक्वायर कर रहे हैं ये अगली जनरेशन में यानी इनहेरिटेड हो रहे हैं, अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर एक और बात इनका कहना था लेमार्क का कि अगर हम किसी ऑर्गन को ज्यादा से ज्यादा यूज करें तो वो ज्यादा एडवांस हो जाएगा, और अगर किसी ऑर्गन को हम यूज ना करें या बहुत कम यूज करें तो वो ऑर्गन वेस्टिजियल हो जाएगा। तो बेसिकली इनका कहना था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन पर, इनका कहना था कि अगर कोई ऑर्गन को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे या कोई भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा तो वो ऑर्गन ज्यादा एडवांस हो जाएगा, और जिस ऑर्गन को ऑर्गेनिज्म कम यूज करेगा वो धीमे 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 वेस्टिजियल हो जाएगा, और हो सकता है वो पार्ट जो है वेस्टिजियल के बाद एक्सटिंक्ट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो मैंने कहा कि इंटरनल वाइटल फोर्स की बात करें तो मैंने कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव some internal force, every organism have some internal force which tends to change the organism to yani इस थ्योरी में, इस कंसेप्ट में उसने कहा था दैट इज द इंटरनल वाइटल फोर्स। इसमें उसने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक हिडन फोर्स होती है, और ये हिडन फोर्स को उसने नाम दे दिया दैट इज एन इंटरनल फोर्स, और ये फोर्स ऑर्गेनिज्म को चेंज करने के लिए जिम्मेदार है। बात समझ गए, यानी चेंज द ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर मैंने कहा कि इंक्रीज the size of organs or entire body or entire body। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ इंटरनल वाइटल फोर्स है जो कि ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने में लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑर्गन्स का साइज बढ़ता चला जा रहा है, इवन पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म की एंटायर बॉडी का साइज बढ़ता चला जा रहा है। ये इनकी थ्योरी का पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट था दैट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। तो इस कंसेप्ट में उसने ये कहा, यानी लेमार्क का कहना था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट में जाएगा तो उसको कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, और जिन स्ट्रक्चर्स की ये जरूरत पड़ेगी उन स्ट्रक्चर को ये एक्वायर कर लेगा, और जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की हैबिट जो है पहले के मुकाबले में चेंज हो जाएगी। तो मैंने कहा कि environment affects the organism, यानी जो environment है वो organism को affect करेगा। तो मैंने कहा environment affect the organisms, तो मैंने कहा कि changing environment requires न्यू नीड्स, यानी एनवायरमेंट जो चेंजिंग एनवायरमेंट है उसके अंदर अडाप्ट करने के लिए न्यू नीड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि न्यू नीड्स और डिजायर, न्यू नीड और डिजायर
produce new structures, produce new structures, or structures which change the habit of organism, which change the habit of organism. इसका मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आया, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ने नए स्ट्रक्चर्स अपने अंदर एक्वायर किया और अपनी हैबिट को बदल दिया पहले के मुकाबले। ये आती है, अब आती है तीसरी बात, दैट इज अ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो अगर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात करें तो मैंने कहा कि इफ एनी ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली यूज एनी पार्ट ओवर जनरेशंस, over generations, it becomes better. Over generations, so it becomes better. इसका मतलब ये हुआ कि किसी पार्ट को ऑर्गेनिज्म लगातार यूज कर रहा है, ओवर generations लगातार यूज कर रहा है, तो ये पार्ट बेटर हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो दैट मींस अदरवाइज द ऑर्गन बिकम्स वेस्टिजियल, द ऑर्गन बिकम्स वेस्टिजियल, अदरवाइज ऑर्गन जो है वो क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा। फोर्थ बात आई थी, इनको का कहना था दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, that is inheritance of acquired characters, यानी सीधी सी बात है कि जिन characters को organism ने अपनी lifetime में acquire किया वो अगली generation में transfer होंगे। तो मैंने कहा कि all those characters acquired by the organism can transfer to next generation, यानी acquired character जो है वो transfer हो जाएंगे next generation में, और these variations, ये जो variations जो acquired किए थे, when add up, जब ये add up होते चले जाएंगे, when add up, जब ये variation add up होते चले जाएंगे, it gives rise to new species, तो ये एक नई species को फॉर्म कर देंगे। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे के बताया कि कैसे इन्होंने अपनी चारों बातों को कैसे समझाया है, तो इन्होंने समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया है। तो आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स इन्होंने लिए और कैसे इन्होंने समझाया। तो इनकी पहली एग्जाम्पल थी दैट इज अ लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, दैट इज लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्ब, फोर लिम्ब ऑफ जिराफ। लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्ब ऑफ जिराफ।
तो यानी इनका कहना यह था कि जब जिराफ दुनिया में आया उस वक्त जमीन पर खाना उतना अवेलेबल नहीं था और जो ज्यादातर खाना था वो पेड़ों पे लगा हुआ था। अब जब खाना पेड़ों पे लगा हुआ था तो जिराफ के सामने या तो भूख से मरना था या अपनी नेक को ज्यादा से ज्यादा खींच कर उस फूड तक ले जाना था जो कि पेड़ों के ऊपर लगा हुआ था। तो जिराफ ने क्या किया कि अपनी नेक को खूब स्ट्रेच किया ताकि जो पेड़ों पे लगा हुआ खाना है उसको खा सके। तो ऑब्वियस बात है कि जिराफ ने अपनी नेक को ज्यादा से ज्यादा यूज किया और जब जिराफ ने अपनी नेक को ज्यादा से ज्यादा यूज किया इस वजह से जिराफ की नेक जो है वो स्ट्रेच कर गई और आज जो हमें जिराफ दिखता है वो जिराफ की नेक जो है वो इसी वजह से स्ट्रेच हुई है। ये बात कहना था लिमाक का, समझ रहे हैं, लिमाक का कहना था। लिमाक ने ये कहा था ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो इनहेरिटेड होता है, जबकि ये बात सही नहीं है। और अब इस एग्जाम्पल के बिना पर लिमाक ने ये कहा कि जिस वक्त जिराफ दुनिया में आया तब जमीन पे खाना था, धीमे धीमे जमीन का खाना खत्म हो गया। अब जब जमीन पे खाना खत्म हो गया तो अब पेड़ों पे लगा हुआ खाना खाने को जिराफ ने खाने की कोशिश करी तो उसने क्या किया कि अपनी नेक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच किया जिसके बिना पर इसकी नेक जो थी वो काफी लंबी हो गई। तो उसने कहा था कि व्हेन द जिराफ ईट फॉलिएज का मतलब है पत्तियां, ईट फॉलिएज ऑन प्लांट्स ऑन ट्रीज दे टेंड टू स्ट्रेच देयर नेक, यानी खूब स्ट्रेच किया नेक को, खूब स्ट्रेच किया, ठीक है। This acquired character were inherited that makes the neck long, जिसकी वजह से जिराफ की नेक कैसी हो गई, लॉन्ग हो गई। इसी तरह इसने एक और एग्जाम्पल लिया, इसने कहा कि एक्वेटिक बर्ड्स के पास वैबी टोज होते हैं, यानी उसके जो टोज होते हैं वो वैबी होते हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो उसके टोज वैबी होते हैं, इसके बीच में एक वैब होता है, ऐसे वैब होता है, इस तरीके से वैबी टोज। तो इसने कहा कि एक्वेटिक बर्ड्स स्ट्रेच स्ट्रेच देयर टोज एंड डेवलप वैब्स एंड डेवलप वैब। वैब का मतलब हुआ डेट इज अ वैबी टोज, इसके अंदर वैबी टोज डेवलप हुए थे। इसी तरह इसने कहा कि स्नेक्स जो है उसने लॉस कर दिए अपने लिम्स, स्नेक लॉस्ट देयर लिम्स, लिम्स का मतलब है लेग्स। इस बात को उसने ऐसे समझाया कि स्नेक को रहने के लिए यानी होल्स में और क्रैक्स में जाना पड़ता था। जब स्नेक को अपने होल्स में या क्रैक में जाना पड़ रहा है तो स्नेक अपनी बॉडी को श्रिंक करके उन क्रैक्स के अंदर ले जाने की कोशिश करता था, और जब ले जाने के अंदर कोशिश करता था तो जब स्नेक अंदर जा रहा होता था तो जो लिम्स थे, जो लेग्स थे स्नेक के, वो एक तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते थे स्नेक की एंट्री के लिए। और जब ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते थे तो स्नेक्स ने उन लिम्स का यूज जो है वो किया ही नहीं या ना के बराबर किया, जिसकी वजह से धीमे धीमे वो लिम्स स्नेक के वेस्टिजियल हुए और फाइनली ये लिम्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए स्नेक से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए
तो स्नेक ने, स्नेक्स जब क्रैक्स के अंदर जाते थे तो उसने ज्यादा से ज्यादा यूज करते थे अपने लोअर मसल्स को, जिससे उस मसल्स का यूज करते करते स्नेक्स आसानी से एंटर कर जाता क्रैक्स के अंदर या होल्स के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि उसके अकॉर्डिंग, लिमाक के अकॉर्डिंग जो है, स्नेक ने ज्यादा से ज्यादा अपने मसल्स को यूज किया, जिसकी वजह से वो मसल ज्यादा काम करने लगी। लिम्स का यूज नहीं किया तो लिम्स वेस्टिजियल हो गए और उसके बाद वो लिम्स खत्म हो गए। तो यहां पर जो बात निकल कर आई है अभी तक इन एग्जाम्पल से, वो ये निकल कर आई है, दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, डिसयूज ऑफ ऑर्गन ब्रिंग एवोल्यूशन, दैट इज ब्रिंग एवोल्यूशन। तो बेसिकली यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन जो है ये एवोल्यूशन को लेकर आया। यहां तक बात समझ रहे हैं? और एक और बात है कि ये बात जान लीजिए कि लिमाक की ज्यादातर बातें जो थी वो सही नहीं थी, गलत थी बातें। कि अगर देखा जाए तो इसने, जो जिराफ था उसने अपनी नेक को स्ट्रेच किया तो इतनी लंबी हो गई, ऐसा नहीं होगा। ये सारे कैरेक्टर जो कंट्रोल हो रहे हैं वो जीन की वजह से कंट्रोल हो रहे हैं, और जीन जो हो रहा है या जीन जो डेवलप हो रहा है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की बिना पर है। अब आते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा था लिमाक को। तो बेसिकली क्रिटिक्स दैट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लिमाक। तो लिमाक की थ्योरी पर कितने क्रिटिक्स आए वो अब हमें देखना है। तो बेसिकली एक बंदा था जिसका नाम था वाइजमैन, और वाइजमैन ने एक थ्योरी दी थी, दैट इज अ थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, देखिए इन्होंने एक कंसेप्ट क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 22 जनरेशन तक रैट की, माइस की टेल को कट किया, और जब टेल को कट किया 22 जनरेशन तक कट करते रहे, 22 जनरेशन तक कट करते रहे, उसके बावजूद कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं आई कि जिसके बाद टेललेस, बिना टेल का माइस आ जाए, ऐसी कोई जनरेशन नहीं आई। तो इसका मतलब इन्होंने कहा था, क्योंकि लिमाक का कहना था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो ऐड अप होता चला जाता है, और वो जो है ऐड होता चला जाएगा अगली जनरेशन में शो करेगा। तो इनका कहना यह था कि अगर हमने इस माइस की टेल को हमने रिमूव कर दिया और उसके बाद क्रॉस कराया, हर बार माइस ने की टेल को कट कर दिया और क्रॉस कराया, तो कोई एक जनरेशन आनी चाहिए थी जिसमें के टेल ना आए, समझ रहे हैं? तो ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हर जनरेशन में टेल आई। तो इन्होंने, मैंने कहा कि ही कट ऑफ द टेल ऑफ रैट्स फॉर 22 जनरेशंस and allowed them to breed. But no tailless rat were developed. कोई भी टेललेस रैट डेवलप ही नहीं हुआ, कोई भी ऐसा रैट डेवलप नहीं हुआ जिसकी टेल ना हो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, दैट इज अ बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना। आपने देखा होगा कि
लड़कियां अपने कान के अंदर होल करवाती हैं, बोरिंग करवाती हैं ये ज्वेलरी वगैरह पहनने के लिए, और आप देखते हैं कि हर जनरेशन में ये चीज नजर आती है। इंडियन वुमेन्स और एशियन वुमेन्स के साथ ये ज्यादातर चीजें हैं कि अपने ईयर पिन्ना को बोर कराती हैं अब ये ज्वेलरी वगैरह पहनने के लिए। लेकिन कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं आई है कि जिसमें के ईयर पिन्ना बाय डिफॉल्ट बोर किया हुआ आए। अकॉर्डिंग टू लिमार्क ऐसा होना चाहिए था कि जब एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है अगर इनहेरिटेड होता, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर ये था कि हर जनरेशन में जो ईयर पिन्ना था उसको बोर किया जा रहा है, बोर किया जा रहा है, और जब बोर किया जा रहा है तो उसके बाद कुछ तो ऐसी जनरेशन आनी चाहिए थी कि जिसके बिना पर जो ईयर पिन्ना है वो बोर किया हुआ था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कोई भी ऐसा जनरेशन नहीं आई जिसमें बोरिंग नजर आई हो। तो मैंने कहा कि बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना डू नॉट सीन इन एनी जनरेशन, किसी जनरेशन में ये सीन नहीं हुआ, ये दिखा ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है, दैट इज अ डार्विनिज्म की थ्योरी, दैट इज अ डार्विन की थ्योरी, दैट इज अ डार्विन थ्योरी या डार्विनिज्म। और इस थ्योरी का एक और भी नाम है, दैट इज अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी ऐसी थ्योरी जिसके अंदर नेचुरल लॉस काम कर रहे हैं, दैट इज अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसके अंदर नेचुरल लॉस काम कर रहे हैं। तो इस थ्योरी को बेसिकली दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। तो मैंने कहा कि गिवन बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, तो इस थ्योरी को दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, जो कि बॉर्न हुए थे, बॉर्न ऑन 12th February 1809 इन इंग्लैंड। चार्ल्स डार्विन जो थे वो इंग्लैंड के थे। इन्होंने समंदर में यानी एक सफर किया था जिसमें कि पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था चार्ल्स डार्विन ने, और जिस जहाज पर इन्होंने सफर किया था उसका नाम था HMS बीगल, ये शिप का नाम था जिससे इन्होंने वोयेज की थी। वोयेज कहते हैं समुद्री सफर को, और ये स्टार्ट किया था 27 दिसंबर 1831 में, और इसको कंप्लीट किया था 2 अक्टूबर 1836। इसका मतलब इन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया था फॉर 5 साल अराउंड। तो इन्होंने 5 साल के लिए दुनिया का चक्कर लगाया था, तो डेट इज अ 5 ईयर्स के अराउंड। और इनके जहाज का नाम था HMS बिगिल। तो इनको जो सबसे ज्यादा बेसिकली जो अमेज, हाँ एक और चीज है कि इन्होंने जब अपना वोयेज पे थे तो ये मेनली जगहों पे जहां गए थे उसका नाम था मेनली विजिटेड, इनके जो मेनली विजिट किया इन्होंने जगहों को, तो इसमें था साउथ अमेरिका, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, दैट इज एन ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद गैलापागोस आइलैंड, दैट इज गैलापागोस आइलैंड, ये इनकी फेवरेट जगहें थी, और सबसे ज्यादा फेवरेट जगह थी गैलापागोस आइलैंड। ये गैलापागोस आइलैंड जो है ये इंडोनेशिया के पास में है, ठीक है। इसके बाद डार्विन ने जो किताबें लिखी थी उन किताबों का क्या नाम है,
तो पहली चीज, ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? तो ही इन्फ्लुएंस्ड बाय टू बुक्स, दो बुक से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे। एक बुक का नाम था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एक किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और ये लिखी हुई थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखी हुई थी बाय मैल्थस ने, और दूसरी किताब का नाम था बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। ऑफ चार्ल्स लेल, इनकी किताबें से बहुत ज्यादा बेसिकली इंस्पायर्ड हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे चार्ल्स डार्विन। तो मैंने कहा कि डार्विन की जो बुक थी उसका नाम क्या था, तो बुक ऑफ डार्विन जो थी उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, by means of natural selections। तो डार्विन ने जो किताब थी बेसिकली उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका मतलब स्पीशीज का ओरिजिन होना, डेवलप होना बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब क्या कंसेप्ट थे डार्विनिज्म के या डार्विन थ्योरी के? तो कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी, that is a concept of Darwin theory। तो Darwin theory के क्या concept है वो हमें देखना है। तो सबसे पहला है that is a overproduction। Overproduction का मतलब ये है कि अगर आप अलग अलग species को देखेंगे तो अलग अलग species जो है वो different number of offspring produce कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल ऑर्गेनिज्म या लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा कि सम स्पीशीज फॉर्म ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल क्वांटिटी वाइल द अदर प्रोड्यूस मैनी इंडिविजुअल्स। यानी एक स्पेशीज, यानी कुछ ऐसी स्पेशीज हैं ऑर्गेनिज्म की जो कि स्मॉल क्वांटिटी में, यानी एक या दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अदर प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग्स। और ये चीज डिसाइड की है नेचर ने, कि नेचर ने किसी ऑर्गेनिज्म को इतनी ही ताकत रखी जिससे कि वो एक या दो ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को दो से भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो ओवर प्रोडक्शन है ये डिसाइडेड किया है बाय द नेचर। तो प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग डिसाइडेड बाय नेचर, तो इसको डिसाइड किसने किया है? दैट इज नेचर ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट, दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। So that is a struggle for existence। तो मैंने कहा कि natural resources अगर आप देखें तो limited होते हैं,
नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हुआ जो फूड वगैरह है जो बेसिकली स्पीशीज के लिए जरूरी है, तो मैंने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है विच मेक्स द स्पीशीज स्टेबल। जो कि स्पीशीज को स्टेबल बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है। बट अगर उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होने लगे तो ऑब्वियस बात है कि इस यहां पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मैंने कहा कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी, हर स्पीशीज को अलग अलग खाना मिलता रहेगा, कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज रिड्यूस होता जा रहा है वैसे वैसे स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन डेवलप हो रहा है और हर स्पीशीज चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा खाना पीना मिले ताकि उसके मेंबर ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह पाए। तो अब अगर देखा जाए तो तीन तरीके का स्ट्रगल है। तो मैंने कहा कि इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, ये स्ट्रगल तीन टाइप का होगा। तो पहला स्ट्रगल है बेसिकली इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब इंट्रा माने होता है विद इन के, इंट्रा माने होता है विद इन। तो इसका मतलब मैंने कहा कि व्हेन देयर इज अ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन हो या स्ट्रगल हो बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम, बिटवीन देयर ओन मेंबर्स, बिटवीन देयर ओन मेंबर्स, अपने ही मेंबर्स के साथ में कॉम्पिटिशन हो गया है, अपने मेंबर्स के साथ में। तो इस तरीके के कॉम्पिटिशन को, स्ट्रगल को हमने नाम दे दिया इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। और अगर देखा जाए तो ये बेसिकली बहुत कम दिखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये बहुत कम मिलेगा आपको, माइनर मिलेगा, बहुत कम ऐसा होता हुआ। दूसरा दूसरी अगर बात की जाए तो एक है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब आ जाती है बात इंटर की, इंटर का मतलब हो गया बिटवीन। तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर अगर देखा जाए तो कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, यानी डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन डेवलप हो गया है और इस स्ट्रगल को आपने क्या नाम दे दिया, दैट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और लास्ट की अगर बात करें तो दैट इज अ एनवायरमेंटल स्ट्रगल। That is an environmental struggle. तो environmental struggle की अगर बात करें तो मैंने कहा कि competition का मतलब यहां पर struggle से है, that is struggle between organism and their environment. तो यहां पर जो struggle है वो organism और उसके environment के बीच में है। तो तीन तरीके के बेसिकली स्ट्रगल बताए थे। और जैसा कि यहां पर अगर देखा जाए